हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? लेकर आया हूँ स्पेशल आपके लिए ईवीएस जर्नल साइंस, जिसे बोलते हैं एनवायरनमेंट, शिक्षा से संबंधित एक अहम प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आज की वीडियो की। दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थी के किस पक्ष की ओर अपनी समस्त क्रियाओं को केंद्रित करने का प्रयास करता है? शिक्षक है जो विद्यार्थियों के किस पक्ष की ओर अपने समस्त क्रियाओं को केंद्रित करने का प्रयास करता है? व्यवहारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या उपरोक्त सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, व्यवहारिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों के अनुसार प्रत्येक प्रकरण को कर ले। अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों के अनुसार प्रत्येक प्रकरण को कर ले। विश्लेषित, प्रेक्षित, मूल्यांकित, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन ए, विश्लेषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। परिमार्जित, संशोधित, परिवर्धित या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खाली स्थान की विश्लेषण कर ले। अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसकी यानी डैश की विश्लेषण कर ले। प्रकरण, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभुजी चार्ट में मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक कलांशों के अनुसार विश्लेषित क्रिया किया जाता है। द्विभुजी चार्ट में मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक कलांशों के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन है, प्रकरण, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम को, उपरोक्त सभी को? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सोच लीजिए, इसका राइट आंसर है पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रिया क्यों आयोजित की जाती है? शिक्षण क्रिया क्यों आयोजित की जाती है? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए, परीक्षा आयोजित करने हेतु या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण क्रिया आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का चयन कक्षा के अनुकूल करना चाहिए। किस कक्षा के अनुकूल करना चाहिए? कैसे, किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों का चयन कक्षा के अनुकूल करना चाहिए? ऑप्शन है, शैक्षिक स्तर, अक्षमताओं, मानसिक स्तर या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण उद्देश्य होने चाहिए शैक्षिक स्तर के अनुसार, अक्षमताओं के अनुसार या मानसिक स्तर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी घटना या कार्यक्रम में संलग्न विचार उपागम को नहीं करते। किसी भी घटना या कार्यक्रम में संलग्न विचार उपागम को नहीं करते हैं। प्रेरित, अपेक्षित, प्रभावित, कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का महत्व है। इसके ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास, समाज में एकरूपता व दृढ़ता लाना या सामाजिक जागरूकता व अंतर्राष्ट्रीय लाना। सामाजिक अध्ययन का महत्व है, इसका एक ऑप्शन और है दोस्तों ऊपर की तरफ है। इन तीनों ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लेकर आते हैं उस फोर्थ ऑप्शन को, ये देखिए दोस्तों, या सद्भाव या उपरोक्त सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं है क्षेत्र सामाजिक अध्ययन से अधिक विस्तृत, यह अधिक व्यवहारिक है, यह वयस्कों के लिए है, यह शैक्षिक स्तर उच्च होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, शैक्षिक स्तर उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है, बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न अपेक्षा की जाती है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान या उपरोक्त सभी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिकता की भावना का विकास करना है? यक्ष्मिक, मेसिथा, ईवी वेस्ले या मुनीश्वर प्रसाद? ध्यान से देखिए दोस्तों स्क्रीन को, इसका राइट आंसर है ईवी वेस्ले। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों लाइक जरूर करें इस वीडियो को और हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति कौन सी है? सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति कौन सी है? विशेष विषय के संरचनाक्रम में संगठन की, कालक्रम विधि के आधार पर संगठन की, विषय की जानकारी के आधार पर या संकेंद्रीय विधि की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालक्रम विधि के आधार पर संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम विधि के दोष है, कालक्रम विधि के क्या दोष हैं? शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, रोचकता का अभाव होता है या पुनरावृत्ति का अभाव होता है या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर आता है रोचकता का अभाव, रोचकता का अभाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम किसके द्वारा निर्मित किया गया है? 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम किसके द्वारा निर्मित किया है? NCERT, SIERT, डाइट स्कोपी, SCOPE। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ई, NCERT द्वारा 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षाक्रम आयोजित किया गया है। अर्थव्यवस्था की का सीधा संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था जो होती है उसका सीधा संबंध किससे है? वाणिज्य शास्त्र से, इतिहास से, भूगोल से या कला से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्य शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मनुष्य की किन क्रियावृत्तियों में से संतुलित विकास पर निर्भर है? संज्ञानपूर्वक, भावपूर्ण, प्रत्यय पूर्व या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के चयन हेतु क्या ध्यान रखना चाहिए? पुस्तक का लेखक, पुस्तक की छपाई, पुस्तक की साज दजा या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोठारी आयोग को, मुदालियन आयोग को, भारतीय शिक्षा आयोग को, सभी समाजसेवी संस्थाओं को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग को। अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, भारतीय आयोग ने, कोठारी आयोग ने या DSP ने? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग ने। मेथड एंड टेक्निकल ऑफ टीचिंग पुस्तक किसके लेखक हैं? मेथड्स एंड टेक्निकल ऑफ टीचिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, ईवी वेस्ले। अनुसंधान विधि का विकास किसने किया था? खोज विधि भी कहते हैं इसे, अनुसंधान विधि, सर जे थॉमसन, विलियम कुकरसन, आर्मस्ट्रांग ने, स्पेंसर ने? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्मस्ट्रांग ने। निम्नलिखित भ्रमण कौन सा नहीं है? लघु, सामान्य, विरित या अति लघु? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अति लघु भ्रमण। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण से प्राप्त होने वाले शैक्षिक ज्ञान पर निम्न लिखवाना चाहिए, भ्रमण पर जाने से पूर्व, भ्रमण के दौरान, भ्रमण के बाद, विद्यालय में संगोष्ठी आयोजित होने पर? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भ्रमण के बाद इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो लाइक, और दोस्तों यदि नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो इस यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।